एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग्स ऑनेस्टी। तो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, शोल्डर आप लोग समझ ही गए हो, शोल्डर किसे बोलते हैं। डिस्टोसिया का मतलब होता है डिफिकल्टी या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाना। डिस्टोसिया मीन्स डिफिकल्टी या फिर आप बोल सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, डिफिकल्टी या फिर ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टोसिया का मीनिंग है। ठीक है, सो आज के इस टॉपिक में शोल्डर डिस्टोसिया में हम स्टडी करेंगे ये होता क्या है, इस कंडीशन को किस तरीके से हम डायग्नोज करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है एंड किस तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। सो देखिए, इट इज डिफाइंड एज डिफिकल्टी इन डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स। ठीक है, जैसे इसका नेम भी साउंड कर रहा है, इसका मतलब ही होता है डिफिकल्टी या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। तो शोल्डर्स की डिलीवरी में क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है, शोल्डर्स की डिलीवरी इजिली नहीं हो पा रही है एट द टाइम ऑफ लेबर। ठीक है, तो उसे हम बोल रहे हैं शोल्डर डिस्टोसिया। अब देखिए, आइडियल जो पेल्विस मानी गई है वो मानी गई है गायनाकोइड पेल्विस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, गायनाकोइड पेल्विस जो है इसे डिलीवरी के लिए एक आइडियल पेल्विस मानते हैं। बहुत सी विमेन में क्या होता है, एंथ्रोपोइड पेल्विस भी होती है, जिसे हम मेल पेल्विस बोलते हैं, एंथ्रोपोइड पेल्विस। अब इस केस में क्या होगा, हमें सी सेक्शन करना होगा क्योंकि नॉर्मली तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि पेल्विस जो है वो एंथ्रोपोइड पेल्विस है, मेल पेल्विस है ना। सो अब हम ये बात करते हैं, अगर एक आइडियल पेल्विस प्रेजेंट है विमेन में, मीन्स अगर विमेन में गायनाकोइड पेल्विस प्रेजेंट है, तब पेल्विक ब्रिम में ऐसा क्या हो रहा है कि शोल्डर जो है वहीं पर ट्रैप हो रहे हैं, है ना, शोल्डर जो है वहां से डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। देखिए, ये है पेल्विक ब्रिम। ठीक है, पेल्विक ब्रिम आपने डायमीटर स्टडी की होंगे, नहीं किए तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा। देखिए, पेल्विक ब्रिम में क्या होगा, कुछ डायमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, डायमीटर्स आपने स्टडी किए होंगे। अब देखिए, यहां पर होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एपी डायमीटर। कौन सा डायमीटर होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर, और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगी, ये डायमीटर्स की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। अब देखिए, हम कैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऐसे हम ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से डायमीटर्स प्रेजेंट होते हैं पेल्विक ब्रिम में। सो यहां पर प्रेजेंट होगा ऑब्लिक डायमीटर, दो हमारे ऑब्लिक डायमीटर है, देखिए लेफ्ट एंड राइट। तो देखिए, ये हो गया लेफ्ट एंड ये हो गया राइट, लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर, राइट ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, और यहां बीच में हो गया हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। अब आइडियली होना क्या चाहिए, एक नॉर्मल लेबर के प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि जब भी फीटल का जो हेड है वो डिसेंड डाउन हो रहा होता है, नीचे आ रहा होता है पेल्विक ब्रिम में, उसे फिट होना है आकर के, तो वो कैसे होगा। देखिए, ये है हमारा लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर, लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में यहां पर उसे आना था। ठीक है, बट वो एंटर कहां कर जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। तो यहां पर माल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है ना, माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन है। माल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि जो फीटस की पोजिशनिंग है वो सही नहीं है। फीटस की पोजीशन कैसी होनी चाहिए थी, यहां पर कहां पर होनी चाहिए थी जब डिसेंड डाउन होना था पेल्विक ब्रिम में, लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर में या फिर राइट ओब्लिक डायमीटर में। अब ऐसा क्यों है, यहां पर ही क्यों प्रेजेंट होना चाहिए था, बिकॉज लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर या फिर राइट ओब्लिक डायमीटर इज लार्जर देन एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर से लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर या फिर राइट ओब्लिक डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, शोल्डर्स इंपैक्ट हो जाएंगे आकर के, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पे अगर वो एंटर करता है पेल्विक ब्रिम के, तो क्या होगा, शोल्डर्स यहां पर इंपैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन यहीं पर क्रिएट हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं शोल्डर डिस्टोसिया। ओके, सो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं जो कि आप बोल सकते हो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है शोल्डर डिस्टोसिया के। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, तो फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर इस कंडीशन की फैमिली हिस्ट्री है, ये जो कंडीशन है फैमिली में रन कर चुकी है, उस
केस में भी क्या होता है, शोल्डर डिस्टोसिया अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है मेटरनल डायबिटीज, अगर मदर को डायबिटीज मलाइटस है तो उस केस में भी क्या होगा, शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ लार्ज सिबलिंग्स, यहां पर बात आ रही है फीटल मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीटस का वेट होता है वो कितना होता है 4000 ग्राम से अबव वेट रहेगा मैक्रोसोमिया की कंडीशन में। अगर ऐसी फैमिली की कोई हिस्ट्री है कि जो फीटस है जो भी इंट्रायूटराइन एनवायरमेंट में जो इसके सिबलिंग्स अभी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है वो अगर इस तरीके से उनकी डिलीवरी हुई है कि वो लार्ज ही मतलब ओवर वेट ही वो डिलीवर हुए हैं तो इस केस में भी क्या हो सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, मैटर्नल ओबेसिटी, ठीक है, अगर मदर ओबेस है उस केस में भी क्या होगा, शोल्डर डिस्टोसिया राइज हो सकता है। मेटर्नल एज, एडवांस एज है मदर की 35 ईयर से क्या है अबव है, उस केस में भी क्या होगा, शोल्डर डिस्टोसिया राइज हो सकता है। हाई पैरिटी, पैरा का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स वुमेन गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, सो पैरिटी में हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी कौन सी है, इसमें ग्रेविडा देखते हैं हम, ग्रेविडा, अगर ग्रेविडा ओवर 5 है, ठीक है, 5 से भी ज्यादा हो गया है ग्रेविडा तो उस केस में भी क्या होगा, शोल्डर डिस्टोसिया अराइज हो सकता है। अब देखते हैं कि इस कंडीशन को डायग्नोस किस तरीके से करेंगे। सो देखिए, अब हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन को हम डायग्नोस किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे टर्टल साइन, अगर टर्टल साइन प्रेजेंट है इट मीन्स शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन अराइज हो गई है। अब देखिए टर्टल साइन किसे बोलते हैं, जो फीटस का हेड है वो इजीली क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। अब जैसे ही हेड डिलीवर होगा हमें नेक्स्ट फीटस की चिन शो होगी। ठीक है, हेड के बाद हमें फीटस की चिन शो होगी। अब अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो क्या होगा, जैसे हमें चिन शो होगी फर्दर जो बेबी है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, वहीं पर क्या होगा हमें रिटर्न होता दिखाई दे जाएगा। जो बेबी है जितना हमें शो हुआ था उसका हेड चिन वो क्या होगा, वापस से वेजाइना की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा इनटू द वेजाइना। ये किसकी वजह से हो रहा है, शोल्डर ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, शोल्डर ट्रैक्शन, क्योंकि शोल्डर्स क्या है, कहां प्रेजेंट है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में प्रेजेंट है तो शोल्डर ट्रैक्शन हो रही है, शोल्डर्स इजिली डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टर्टल साइन। ठीक है, टर्टल साइन इसे हम बोलेंगे। और इस ये अगर कंडीशन यहां पर ऐसा कुछ प्रेजेंट है जहां पर टर्टल साइन है तो उसे हम बोलते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, इसे हम डायग्नोस कर पाएंगे यहां से। नेक्स्ट है अगर ऐसी कुछ कंडीशन प्रेजेंट है तो अब एक मिडवाइफ क्या करेगी, देखिए मिडवाइफ कुछ मैनेवर का यूज करेगी। ठीक है, अब मैनेवर क्या होते हैं, ये फर्दर हम मैनेजमेंट में स्टडी करने वाले हैं। अब इन्हें हम बोलते हैं मैनिपुलेटिव डिलीवरी, मैनिपुलेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, मैनेवर्स को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिव प्रोसीजर्स, जिसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं बेबी को डिलीवर करने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं मैनेवर्स, मैनिपुलेटिव प्रोसीजर्स। अगर इनसे भी बेबी को इजिली वेजाइनली डिलीवर नहीं किया जा रहा है तो उस केस में भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन अराइज हो गई है, तो हमें क्या कंडक्ट कराना होगा, सी सेक्शन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसकी मैनेजमेंट, हम देख रहे हैं हम शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसकी मैनेजमेंट हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमें इस कंडीशन को डायग्नोस करना है। अब अगर ये कंडीशन डायग्नोस हो गई है कि शोल्डर डिस्टोसिया प्रेजेंट है तो मिडवाइफ को क्या करना है, मैनेवर्स का यूज करना है। अब मैनेवर क्या होते हैं, आप इसे बोल सकते हो कि कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे क्या होगा, एक कंडीशन जो है वो सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, सो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें रूल आउट करना है कि फीटस की पोजिशनिंग क्या है, फीटस की पोजिशनिंग को हम क्या करेंगे, रूल आउट करेंगे। अगर हमें लगता है कि फीटस की जो कंडीशन है वो फीटस कहां प्रेजेंट है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। ठीक है, ये पेल्विक ब्रिम का मैंने आपको डायमीटर बताया था, एंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट ओब्लिक राइट ओब्लिक, सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर लेफ्ट ओब्लिक एंड राइट ओब्लिक डायमीटर। अगर जो डायमीटर है वो है एंटीरियर पोस्टीरियर, उस केस में हम क्या करेंगे, मैनेवर्स का यूज करके कुछ ऐसी फोर्स अप्लाई करेंगे अपने हैंड्स का यूज करके
कि जो फीटस की जो पोजिशनिंग है उसे हम करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एंड मदर को हमें इंस्ट्रक्ट करना है नोट टू पुश, कि मदर पुश ना करे फर्दर। तो हमें क्या करना है, अपने दोनों हैंड से हमने वन हैंड की फिंगर फीटस की चेस्ट की ओर प्लेस करनी है, एंड अदर हैंड की जो फिंगर्स है वो बैक पे प्रेस करनी है, एंड अपोजिट प्रेशर अप्लाई करना है दोनों हैंड से। दोनों हैंड से अपोजिट प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि जो कंडीशन है ये सोल्व हो जाए, एंड जो फीटल का जो हेड है वो कहाँ फिट हुआ था, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। हो सकता है कि इस मैनेवर से जो हेड है वो कहाँ हो जाए, लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में, इससे ये कंडीशन सोल्व हो जाएगी। ओके, अगर हमें जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा नहीं लगाना, इससे क्या हो सकता है, फीटस की सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। फीटस की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है या फिर सर्वाइकल नर्व प्लेक्सिस है वो क्या हो सकती है, फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट है हम कहां पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, इससे भी इस कंडीशन से हमें क्या हो जाएगा, कंडीशन सॉल्व हो सकती है। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, इसी तरीके से मैनेवर्स हम लगाएंगे। बाकी बहुत से टाइप के मैनेवर्स होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको इमेज शो कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, अभी भी अगर हेड डिलीवर नहीं हुआ है तब हम क्या करेंगे, जो हमने एपिजियोटमी का जो हम एपिजियोटमी देते हैं, ठीक है, एपिजियोटमी पहले तो देते थे मिड लाइन एपिजियोटमी दिया करते थे। एपिजियोटमी का टॉपिक भी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर पाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो पहले मिड लाइन एपिजियोटमी दिया करते थे, अब देते हैं मीडियोलेटरल, ठीक है। तो इस एपिजियोटमी को हम एनलार्ज कर देंगे थोड़ा सा, जिससे क्या होगा, हम इजिली मैनेवर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मैक्रोबर्ट्स मैनेवर, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको वुमेन की पोजीशन दिखाई दे रही है, वुमेन को हमें फ्लैट लाई करना है बेड पे, एंड जो वुमेन की नीज हैं उन्हें हमें चेस्ट की तरफ पुश करना है, जिससे क्या होगा, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर रहेगा। सुप्रा प्यूबिक मीन्स प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी एंटीरियर शोल्डर था जो कि इम्पैक्ट हो गया था एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में, वो कैसे हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा थोड़ा सा, एंड इसकी वजह से बेबी इजीली डिलीवर हो पाएगा। तो इसे हम बोलते हैं मैक्रोबर्ट्स मैनेवर। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रूबिन्स मैनेवर। सो रूबिन्स मैनेवर आया था 1964 में, ठीक है, डिस्कवर हुआ था। आफ्टर दैट अब इसमें हमें क्या करना है, एक मिडवाइफ को, एक नर्स को क्या करना है, सबसे पहले वुमेन का, प्रेग्नेंट वुमेन का वेजाइनल एग्जामिनेशन कर देना है। वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पोस्टीरियर शोल्डर, मतलब शोल्डर का जो पीछे वाला पार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, तो जैसे आप अबव जब सबसे फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हो, पोस्टीरियर शोल्डर को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, पोस्टीरियर शोल्डर को फीटल चेस्ट की डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। इससे क्या होगा, बाय सैक्रोमियल डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा, एंड इजिली हम बेबी को डिलीवर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट मैनेवर इज वुड्स मैनेवर, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है, एक मिडवाइफ को क्या करना है, एक ऑब्स्टेट्रिशियन को क्या करना है, अपने हैंड को इंसर्ट करना है इनटू द वजाइना एंड आइडेंटिफाई द फीटल चेस्ट। फीटल चेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है कि फीटल चेस्ट कहाँ है। देन हमें क्या करना है, कुछ प्रेशर अप्लाई करना है पोस्टीरियर फीटल शोल्डर पे, मतलब शोल्डर की पीछे की साइड प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे भी क्या होगा, रोटेशन होगी और हमें क्या होगा, बेबी को हम इजिली डिलीवर कर पाएंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट मैनेवर हम देख रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ज़ेवानेली मैनेवर। इसमें क्या होता है, अगर अबव जो भी हमने मैनेवर यूज़ करे हैं वो अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता है, कंसीडर करता है कि हमें ज़ेवानेली मैनेवर का यूज़ करना है एज अ लास्ट होप फॉर डिलीवरी ऑफ अ लाइव इन्फेंट, कि हमें लाइव इन्फेंट की डिलीवरी करनी है, वो एक लास्ट होप रहती है। सो इसमें हमें क्या करना है, जो भी मैकेनिज्म्स हुए थे ना अभी तक, उसे हमें रिवर्स कर देना है, मीन्स री इंसर्शन कर देना है फीटल हेड का इन टू द वेजाइना में, एंड डिलीवरी इज देन कंप्लीटेड बाय सी सेक्शन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपने बहुत से मैनेवर्स देखे, आपने इमेजेस देखी जो यहाँ पर शो हुई हैं। अब अगर इन मैनेवर्स से भी क्या होता है, नॉर्मली बेबी डिलीवर नहीं हो पाता है, तो हमें करना होगा सी सेक्शन। ओके,
तो आज हमने स्टडी किया शोल्डर डिस्टोर्सी. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.